नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो 1/(x-2) प्लस 1/(x-3) इसे हम दो दो करके सॉल्व करेंगे। इसको पहले सॉल्व कर लेंगे, इसको अभी हम उधर भेज दे रहे हैं, तो -(x-4)। ठीक है, दो सॉल्व करेंगे तो आसान रहेगा सॉल्व करना। इन दोनों का एलसीएम होगा तो x-3 प्लस x-2 इज इक्वल टू माइनस का x-4। अब क्या होगा, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, x-3 प्लस x-3 अपॉन में x-2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आएगा ये x² -5x प्लस 6 सॉल्व करने पे। ओके, इज इक्वल टू -1/(x-4)। ये दोनों सॉल्व होंगे अंदर ऊपर वाली इक्वेशन, तो x x 2x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो -3 -3 हो जाएगा -6 अपॉन x² -5x प्लस 6 इज इक्वल टू -1/(x-4)। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो बस ध्यान से करना, क्योंकि ये माइनस का 1/(x-4) है। तो करते हैं 2x-5 मल्टीप्लाइड विद x-4 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाइड विद x² -5x प्लस 6। तो इनका आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 2x² 8x -5x प्लस 20 इज इक्वल टू, बाहर माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तब क्या आंसर आएगा, -x² माइनस -5x था तो माइनस से मल्टीप्लाई तो प्लस हो जाएगा 5x -6। देन इस वैल्यू को इधर ट्रांसफर करेंगे, 2x² -8x -5x प्लस 20 माइनस -x² इधर आएगा तो प्लस x² -5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसे इसे सॉल्व करेंगे तो 3x² इसे इसे और इसे तो माइनस का 18x इसे इसे तो प्लस 26 इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -18 एंड c इज इक्वल टू 26। नाउ पुट इन द फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी यानी कि माइनस का 18 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि -18 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए इज 3 एंड सी इज 26 अपॉन 2a यानी कि 2 इंटू 3। माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन होगा तो ये प्लस 18 प्लस माइनस अंडर रूट -18 का स्क्वायर 3 24 माइनस ये मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 2 अपॉन में 2 3 6 प्लस माइनस, माइनस करेंगे इसको तो 12 आएगा अपॉन 6। तो हम लिख सकते हैं 2√3/6। देन यहाँ से x की दो वैल्यू आ जाएंगी, x इज इक्वल टू 18 प्लस √12/6, 18 प्लस 2√3/6 एंड 18 माइनस 2√3/6। इनमें से कुछ कॉमन हो सकता है तो कॉमन लेंगे इनमें से तो आएगा 9+√3/6, 2 1 2 2 3 6 इक्वेशन बनी 6 9+√3/3 एंड यहाँ पे इक्वेशन बनी, इसको सॉल्व किया तो 9-√3/3 तो यहाँ पे बचा 9-√3/3। तो इसको जब सॉल्व किया तब इतना आया, एक आया 9+√3/3 एंड 9-√3/3। अभी ये और सॉल्व हो सकता है
तो पहला क्या आ रहा था, 9 + √3 बाई 3, एंड सेकेंड एक्स की वैल्यू क्या थी, 9 - √3 बाई 3। देन 9 + √3 बाई 3 को हम और क्या लिख सकते हैं, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 + √3 बाई 3, 3 × 9 और फिर यही वैल्यू आएगी, ऊपर वाला ही फिर से आ जाएगा। इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं 3 - √3 बाई 3, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं और इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसे ये अभी और सॉल्व हो सकता है, जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, 3 + √3 अपॉन, अब ये जो 3 है इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 × √3। ओके, तब ये √3 कैंसिल हो जाएगा, तब जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3 + 1 / √3। सेम वैसे ही इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करें, तब क्या होगा, 3 - √3 √3 × √3, ये कैंसिल, तब क्या बचेगा, 3 - 1 / √3। तो ये दोनों एक्स की वैल्यू आ गई, ये और ये। ओके,